फिटनेस से जुड़ी किसी भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए सुधीर दुबे फिटनेस गुरु को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप हमारे सारे वीडियोस देख पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर दुबे फिटनेस गुरु, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है बनाना शेक का, हाउ टू मेक बनाना शेक हेल्दीएस्ट। घर पे आप बनाना शेक को हेल्दीएस्ट कैसे बनाएं? जो हम घर पे बनाना शेक बनाते हैं वो नॉर्मल बनाते हैं, सिर्फ बनाना लेके और मिल्क लेके। आज मैं आपको बताऊंगा कि बनाना शेक में ऐड क्या क्या करना है जिससे आपका बनाना शेक हेल्दीएस्ट बनेगा। आपको जो बनाना शेक आप बनाएंगे वो हेल्दी होगा, आपकी बॉडी में फैट नहीं आने देगा, सिर्फ प्रोटीन और कार्ब्स आपकी बॉडी में जाएगा और जो फैट जाएगा बॉडी के अंदर आपके वो हेल्दीएस्ट फैट रहेगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारे बनाना शेक है उसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। डाइट जो है आपकी बनाना शेक वाली, इसमें बनाना शेक आपको हेल्दी बनाना है तो उसमें सबसे पहले आपको एक ग्लास मिल्क चाहिए, पीनट बटर चाहिए, होममेड प्रोटीन, किशमिश, ओट्स और दो बनाना। दोस्तों, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको जार में मिल्क को डाल देना है, उसके बाद आपको जो दो बनाना है उनको छिल के आपको जार में डालना है इस तरह से। बनाना आप अच्छे चेक कर लें, बनाना पके हुए होना चाहिए, कच्चे ना हो। कच्चे होंगे तो आपके इसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे और स्वाद भी इसका थोड़ा कड़वाहट आएगा। इसके बाद आपको इसमें एक चम्मच ओट्स डाल लेनी है। इसके बाद आपको थोड़े से किशमिश डालने हैं और जो हमने होममेड प्रोटीन बनाया हुआ है ये आपको एक चम्मच डाल देना है इसमें। होममेड प्रोटीन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कैसे बनाना है इसको वो आप देख लेंगे। उसके बाद आपको एक चम्मच पीनट बटर ऐड करना है। जो सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इन सब में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। इसके बाद हम इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे, बना लेंगे। ये देखिए, अभी हमारा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा सा आप और मिक्स करना है इसको। तो दो से तीन बार आप मिक्स करें ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा बनाना शेक बनके तैयार हो चुका है, इसे अब हम ग्लास में निकाल लेंगे। ये हमारा एक ग्लास बनाना शेक बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, इसे आप पोस्ट वर्कआउट में लें और आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन, कार्ब्स, सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पोस्ट वर्कआउट के बाद चाहिए। तो ओके गाइस, तब इसे ट्राई करें पोस्ट वर्कआउट के बाद या फिर ब्रेकफास्ट में।
तो फ्रेंड्स हमारा आज का जो प्रोटीन शेक है यानी कि बनाना शेक वो कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमने उसमें मिलाया क्या क्या, हमने होममेड प्रोटीन, किशमिश, ओट्स और आपका बनाना प्लस आपका पीनट बटर, यानी हमने पांच चीज़ मिलाई है इसमें जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दीस्ट है। इसमें आपके कैलरीज बैलेंस है, आपका प्रोटीन बैलेंस है, इसमें आपका कार्ब्स, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि आपकी बॉडी को पोस्ट वर्कआउट में चाहिए है। आप जब वर्कआउट करते हैं आपकी बॉडी को कार्ब्स और प्रोटीन दोनों चीज़ चाहिए होती है, तो इसमें सारी चीज़ आपकी अवेलेबल हैं। इसे आप घर में बना के पिए, आप जिम से आने के बाद घर में बनाएं, आपका दो मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।